बताया जा रहा था कि इकरार मैंने तीसरी शादी कर ली हुई है, पहले भी काफी दफा कराई गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें आ रही होती है ना, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करती। मुझे बहुत बुरा भला भी कहते थे तब भी मैं खामोश रहती थी। और अगर इकरार पे तीसरी शादी कर लेते हैं? मैंने तो इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो खुद अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि ऐसा कोई इरादा नहीं, फरा बड़ी डाडी है, आपको उसके बारे में नहीं पता। तो लोग कहते भी हैं कि ये क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा सोच। पाकिस्तान के मशहूर एंकर और क्राइम रिपोर्टर इकराल हसन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी तीसरी शादी की खबरें वायरल होने के बाद सुर्खियों में हैं। एंकर को अपनी पहली बीवी और मबीना तीसरी बीवी के साथ मालदीव्स में छुट्टियां गुजारते देखा गया। ताहम इनकी दूसरी बीवी फरा इकरार ने इकरार की तीसरी शादी की खबरों के हवाले से एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने शोहर इकरार के साथ खूबसूरत लम्हात को भी याद किया। अपने शोहर की तीसरी शादी के बारे में बात करते हुए फरा ने कहा, इससे कबल भी इकरार की तीसरी शादी के हवाले से बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर चुकी हैं। मेरा ख्याल है जिसके बारे में बात हो रही है उसी से बेहतर पूछ लें। मैं सोशल मीडिया पर आने वाली ज़्यादातर खबरों या अफवाहों पर तबसरा करने से ग्रेज करती मैं सोशल मीडिया पर आने वाली ज़्यादातर खबरों या अफवाहों पर तबसरा करने से ग्रेज करती हूँ। मैंने माजी में अपने बारे में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा नज़रअंदाज किया है। लोग आपको सही मायनों में नहीं जानते, इसलिए बेहतर है कि ऐसे तबसरों पर तवज्जो ना दें। पहले मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब ऐसी खबरों पर कान नहीं लगाती। मेरे ख्याल में आपको अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैंने इंटरव्यूज़ में बताया है कि अगर इकरार शादी का फैसला करते हैं तो मुझे उस पर कोई फिक्र नहीं है। दूसरी जानिब इकरार का कहना है कि फरा सख्त है और वो मुझे तीसरी शादी नहीं करने देंगी। इकरार के साथ अपना गुजरा हुआ लम्हा याद करते हुए फरा इकरार ने कहा कि हमने बहुत से यादगार लम्हात एक साथ गुजारे हैं। कल रात हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हमने पहली बर्फबारी एक साथ देखी। हमने स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। 2018 हमारे लिए बहुत खूबसूरत वक्त था। हमने अमेरिका का एक ज़बरदस्त दौरा भी किया। हमने यूरोप में भी बहुत लुत्फ उठाया। मेरा और इकरार का टर्की में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मुझे याद है कि हम एक बार इस्तांबुल में खो गए थे, सर्दी थी और हमें एक खूबसूरत जगह का पता चला। इसी के साथ फैन का कहना भी है कि वो इकरार की तीसरी शादी को छुपा रही हैं। एक सोशल मीडिया साइफ का कहना था कि काश कुर्तुलैन इकरार भी एक सख खातून होती ताकि वो फरा से अपने घर बचा सकती। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने इन पर भी हमायत की। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहें।